गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का वेदर बिल्कुल क्लियर है, मुझे लगा था कि आज स्नो होगी, बट इट्स वेरी सनी, इट्स नॉट दैट कोल्ड। एंड टुडे वी गोइंग टू पहलगाम, और फिर पहलगाम से ऊपर हम जाएंगे घुड़सवारी के लिए, फिर वापस यहीं पे आएंगे। सो ये ऐसा कुछ प्लान है, नाउ वी गेटिंग लेट, सो लेट्स गो। मैं थोड़ी सी स्नो लेट्स सी आगे क्या आगे होगी पहलगाम में, नहीं होगी आज तो नहीं होगी ना घुड़सवारी में। यहाँ पार्किंग एरिया में पहुंच गए, यहाँ से आपको हॉर्स राइड से जाना पड़ेगा जो हाँ और साइड यहाँ वॉक करके मिलेगा क्या ये यहीं पे मिलता है अच्छा यहीं से ही आज हम पूरा दिन ऐसे ही घूमने वाला है घोड़े पे कैसे लग रहा है सारे का बहुत अच्छा पहली बार फर्स्ट टाइम यस सो गाइस अब हम अपने पहले पॉइंट पे पहुंच गए हैं ये है कैनी मर्ग बेसिकली कैनी मींस पत्थर और मर्ग मींस रास्ता जैसा उन्होंने बताया हमें तो यहाँ पे बहुत साल पहले ये पांडव इन पत्थरों का यूज़ करके घर बनाया करते थे मंदिर बनाते थे तो मूर्ति उस टाइम दैट्स वाई इसका ऐसे नेम पड़ा। और अभी तो शुरुआत है आज दिन की, अभी हम जाएंगे उस वाले टॉप पॉइंट पे आगे से ऐसे जाएंगे। अरे हम वहाँ जा पाते क्या वहाँ ऊपर ऊपर चलो तुम पहुँचा देते फिर आती रहना खुद ही अकेले। लुक एट द व्यू अराउंड, चारों तरफ इससे बड़े बड़े स्नो से कवर्ड पहाड़ है। देखो उस तरफ गर्मियों में ये पूरे खुल जाते हैं और यहाँ पे हर जगह ट्रैकिंग होती है, बहुत सारे ट्रैकिंग स्पॉट है यहाँ पे। 12 महीने आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, 12 महीने नहीं क्या, विंटर में आओ या समर में ही आओ ना। जैसे अगर हम लास्ट मंथ आते तो पूरा स्नो होता, इस महीने आए हैं तो ऐसे अभी स्नो पिघलनी शुरू हुई है और थोड़ा थोड़ा ओपन होना शुरू हुआ है। नेक्स्ट मंथ ये पूरा ग्रीन हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ विल बी ऑल ग्रीन और जून जुलाई में सारे ट्रैक्स खुल जाएंगे। सो इट्स कम्प्लीटली, आई मीन आप किसी महीने में आ सकते हो, मतलब रहता है ना किसी जगह पे आप सिर्फ सर्दियों में जा सकते हो, किसी जगह आप सिर्फ गर्मियों में जा सकते हो। कश्मीर इज समथिंग जहाँ पे आप 12 महीने आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। राइट राइट, बिकॉज देख के यहाँ पे ऐसे इतना अच्छा फील हो रहा है ना, बस ऐसे खड़े रहो चारों तरफ, ऐसे मैं चारों तरफ से व्यू को बस इंजॉय करते रहो। वाओ, मतलब हम कितने छोटे हैं यार, वी आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर नथिंग। या इट्स रियली ब्यूटीफुल। एक क्वेश्चन है, पूछो क्या? पूछो ना। बस मन कर रहा है तो पूछ लेती हूँ। हाउ आर यू फीलिंग, मतलब ऑब्वियसली यू आर लाइकिंग इट बिकॉज यू बिलोंग टू यू नो फिल्म मेकिंग ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, बट नाउ यू आर अ फुल टाइम फिल्म मेकर ट्रैवलर, जॉब छूट गई दो यू आर लाइक पहले यू यूज्ड टू लाइक इट, बट अभी कैसा लग रहा है? पहली बात तो जॉब छूटने का तो लाइक बिल्कुल गम तो लग ही नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं फ्री हूँ और अभी जैसे यहाँ मैं घूम रहा हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं है और यहाँ से जाने का फिर कहीं और जाऊँगा, फिर कहीं और जाऊँगा, फिर अपना वीडियोस बनाऊँगा और घूमूंगा, बस यही मन कर रहा है। ये जो मैं चाहता था ना मुझे मिल गया और मैं वही करूँगा। जितने सालों से मैं सोचता था कि यार एक दिन आएगा कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगा, कब आएगा मैं सोचता था, इतनी बार बाइक पर ड्राइव करता था, इतनी बार कहीं भी मैं ऐसे ब्यूटीफुल लोकेशंस पे आता, हमेशा सोचता था यार मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे ऐसे ही घूमना है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में, बस ईजिली स्लोली अच्छे से इंजॉय करना है, वाइब लेना। हाँ, जैसे कहीं भी होता ना हम हमेशा छोटी ट्रिप पे जाते थे एक हफ्ते, मैक्स टू मैक्स 10 डेज, फिर वापस आना ही पड़ेगा, नहीं छुट्टी नहीं ले सकते। राइट, अभी ऐसा है कि जितने दिन आपका मन है ना एक्चुअली में उतने दिन आप जा सकते हो, जितने दिन आपका प्लान करने का मन है, जितने दिन आपको एक्सप्लोर करने का मन है, वहीं से काम करने का मन है अपने अपने यू नो वीडियोस पे, आप वहीं से काम कर सकते हो, कोई घर जाने की जल्दी नहीं है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ कि मैं अभी कुछ दिन पहले बात कर रहा था कि मैं कश्मीर आऊँगा फिर से गर्मियों के टाइम पर, तो एक दो महीना रहूँगा यहाँ पे, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करूँगा, यहीं से काम करूँगा। तो ऐसे एक सेकंड, तुम मेरे बगैर आने वाले हो क्योंकि मेरा तो ऑफिस है।
अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारा वो है ना, दूर से ही काम करना है, घर से काम नहीं करना, मतलब वर्क फ्रॉम होम है, तो तुम भी चलोगी साथ में, इंटरनेट वगैरह होगा सब बेचारा को। ओके देख लो कैसे मर मर के बोल रहा है। ओके तो ये सब बहुत अच्छा, मतलब पॉजिटिव फीलिंग है। सच बताओ ना, आई एम सीइंग यू लाइक दिस, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़, नॉट बिकॉज़ आई नो यू, बट बिकॉज़ तुम्हें ये आज़ादी बहुत पहले से चाहिए थी। चाहिए थी। आई कैन सी दैट हैप्पीनेस इन योर फेस, योर आईज, इन योर एवरी एक्शन। और अभी ना पता है, डर भी नहीं है मुझे। डर नहीं है, वो अंदर से होता है ना कि यार जॉब चली गई मेरी, अब क्या करूंगा, कुछ अगर ये नहीं चला तो क्या होगा, वैसे वाला डर ही नहीं है मेरे अंदर। Because some, you know that you gonna good do something, मतलब हाँ, मेरे पास इतने सालों में ना मैंने एक माना, YouTube तो है ही, YouTube तो चल रहा है, बट लेट्स से अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है ऐसा, बट मैंने ना स्किल डेवलप की है वीडियो मेकिंग की, ये कहीं कोई मेरे छीन नहीं सकता। इधर ये जो मैंने, मतलब मेरा अपना एसेट समझता हूँ इसका, कि मैंने ये इतने सालों में मेहनत करके और ये सब सीख कैसे है ना, प्रैक्टिस कर करके ये चीज़ सीख ली, और आई रियली फील गुड अबाउट इट। अभी देख के ऐसा लग रहा है ना, यू कैन गो ऑन यू नो टॉकिंग अबाउट दिस। सॉरी, मैं ज्यादा नहीं बोलता अभी, तो अभी मेरा हाथ दुख रहा है, सो दैट्स इट। यू नो हमारी लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती, मैं आज भी नई नई स्किल सीखता रहता हूँ। यू नो इट कुड बी अबाउट स्टोरी टेलिंग, वीडियो एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, ग्राफिक एनिमेशन, और मैं आज ऐसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाला हूँ, स्किल शेयर, विच इज ऑल्सो द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। इट्स एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी विच हैज लॉट ऑफ क्लासेस ऑन बेसिक एडिटिंग टू एडवांस लर्निंग फ्रॉम फोटोग्राफी टू वीडियोग्राफी टू एवरीथिंग। यू नो आप बहुत डिटेल्स में सीख सकते हो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे, लाइक सम ऑफ माई फेवरेट क्लासेज ऑन फिल्म मेकिंग बाय जोडी वॉन्डेपर्ट। यू नो दीज क्लासेज रियली हेल्प्स। और एक अच्छी बात यह है कि स्किल शेयर के बारे में, दैट इट्स रियली अफोर्डेबल। इट्स एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू लेस दैन 2,400 रुपीज, which is less than 200 rupees a month, which is very affordable. You know, हम कुछ भी खाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो भी 200 रुपए से ज़्यादा आता है, तो और क्या चाहिए। बट स्टिल द फर्स्ट 1,000 सब्सक्राइबर विल क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विल गेट 30 डेज फ्री, सो यू कैन एक्सेस एनी क्लासेस। नाउ जस्ट गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड साइन अप टुडे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हेलो, हाय, लुक एट द व्यू यार, चारों तरफ। सो हम इस वॉटरफॉल पे रुके, एक पहले भी था, वहाँ पे रुके नहीं, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, हमने सोचा कि थोड़ा आगे जाते हैं। भैया ने बोला कि आगे एक पॉइंट है जहाँ पे लोग रुकते नहीं, तो हम यहाँ पे आए। एंड लुक्स सो अमेजिंग, लुक एट दिस। तो अभी हम अपने अगले पॉइंट पे जा रहे हैं, वो डबियन है। I'm not sure कि हम वहाँ रुकेंगे नहीं रुकेंगे, देखते वो। हाँ देखो ना, ऐसा लगता है ऐसे ये बीच में से एक रास्ता ऐसे ऊपर जा रहा हूँ। डरा रहा है, देखो मजा आ रहा है। यहाँ से पूरा आई गेस कश्मीर का व्यू दिखेगा ना, एकदम टॉप पॉइंट पे यहाँ पे। फिर यहाँ से वापस उतरते हुए मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ जाएंगे। हमने
सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद अभी तक कुछ किया नहीं है, पानी पीना है। ये तुम्हें खांसी क्या हुआ? खांसी लगी थी ना? थोड़ी सी लगी है, वो ठंड की वजह से। और हमने रास्ते में दवाई भी नहीं ली, भूल गए। हाँ, क्योंकि वो मुझे कम नहीं है, बस थोड़ा सा लग रहा था। अगर लग रहा होता तो मैं तुमको बोल देती। अपन आगे चलते हैं उस साइड, थोड़ा सा पहले खा लेते हैं। खाने के बाद हमारी शॉप की तरफ पहुँचते हुए पेट पूजा करने के लिए हम वहाँ जाएंगे आगे। कुरकुरे जैसा है? कुरकुरे जैसे नहीं, कुरकुरे ही होगा ये। बिंगो टेढ़े मेढ़े मैगी क्या लग रहा है? ठंड ठंड में गरम गरम मैगी खाना। तो ये कोयले में बनाया? कोयले बना, पानी भी लग रहा है कोयले वाला ही है। क्या पानी वैसा टेस्ट आ रहा है ना? तो पता चल, चलो मैगी खा लेते पहले। टेस्टी है ना? बहुत। इस टाइम पे ना ऐसे नमकीन जम चीज कुछ भी खाओ गरम गरम, बहुत टेस्ट लगती है। यहाँ से यहाँ से व्यू देखो। ये डबियन है, अब हम जाते हैं कहीं से देख रहे हैं, हम सीधा जाएंगे मिनी स्विट्जरलैंड बिना पासपोर्ट के। घोड़े पे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ से उतरना, थोड़ा रास्ता भी आएगा डिफिकल्ट। अभी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा आगे आएगा थोड़ा डिफिकल्ट। तो ये डिफिकल्ट कहाँ डिफिकल्ट है? हाँ, अभी हम अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ये है बाई सरंग। सबसे पहले तो देखो कितना खुला खुला एरिया है चारों तरफ, सब देखो। ये कश्मीर का दूसरा रूप है एक्चुअली। हाँ, एक अलग ही है कश्मीर। और अभी 4:45 हो चुके हैं, बस अभी हम यहाँ पे आधा घंटा रुकेंगे, फिर यहाँ से नीचे आएंगे सीधा। आई गेस वो बोल रहे थे आधा घंटा लगता है यहाँ से। तो ये रहा आज का हमारा दिन। सो इसी के साथ हमारा आज का दिन ख़त्म होता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, बाय, धन्यवाद।